आज हम भक्ति के 64 अंग के बारे में वर्णन करेंगे जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी वर्णन किया है। इससे पहला हम जानेंगे कि भक्ति क्या है, भक्ति किसको कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वां अध्याय के 66 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भक्ति के बारे में बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम ताम सर्वपापेभ्यो मुक्षयिष्यामि। अर्थात सभी प्रकार धर्म को परित्याग करके केवल मेरा शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो इस श्लोक के द्वारा हम समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम उनके आराधना करें, उनका उपासना करें, उनकी आज्ञा को पालन करें और समस्त प्रकार छोटा बड़ा धर्म को परित्याग करते हुए हम उनका सेवा करें। इस विषय को और सुस्पष्ट और तरीकाबद्ध रूप में श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 6 नंबर श्लोक में वर्णन है, सवई पुंसाम परधर्म यथो भक्तिरदुक्षजे अहितुक्य प्रतिहता ज्यात्मा संप्रसिद्धति। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है कि संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति अर्थात धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। वो प्रेम भक्ति कैसा आचरण करना चाहिए, कहते हैं अहितुकी अप्रतिहता, ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंडित अर्थात भगवान को हम प्रेम करें किसी हेतु के बिना। जिस कर्मों को करने से भगवान प्रसन्न होते हैं वही भक्ति, और वो जब अखंडित रूप में अनवरत किया जाता है, अनर्गल किया जाता है, तैल धारावत उसके भगवान की चिंतन किया जाता है, उनके सेवा किया जाता है, उसी को प्रेम भक्ति कहा जाते हैं। अर्थात अहितुकी का मतलब किसी प्रकार के हेतु के लिए मैं भगवान का आराधना नहीं कर रहा हूँ, उनके नाम नहीं जप रहा हूँ, उनके ध्यान नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर किसी प्रकार का इच्छा नहीं है, अहितुकी। और अप्रतिहता, अप्रतिहता का अर्थ है ये अखंडित। प्रतिहता मतलब मैं 1 महीना के लिए भगवान का ये व्रत करेंगे, उसके बाद साधारण ढंग से जीवन यापन करेंगे। तो अप्रतिहता का मतलब मैं जिंदगी भर का व्रत ले लिया कि भगवान की भक्ति मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, अर्थात नहीं छोड़ूंगा जो भी। और अहितुकी का मतलब है उनकी भक्ति मैं किसी लिए कर रहा हूँ, बिना हेतु, एकमात्र हेतु है कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता करना, अर्थात समसिद्धिम हरितोषणम, हरि की संतुष्टि के लिए ही हरि की आराधना करना चाहिए। अच्छा, हरि को संतुष्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि हरि को संतुष्ट करने से ही हम संतुष्ट होंगे, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 7 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति युग प्रयोजित जनयतेषु आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहितुक्यम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहितुक्य ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। अर्थात संसार से वैराग्य प्राप्त करना, अहितुकी ज्ञान प्राप्त करना, ये भक्ति के द्वारा ही संभव है। तो संसार से वैराग्य प्राप्त इसीलिए करना चाहिए क्योंकि संसार जो है ये भगवत विमुख है, जिसके द्वारा हम लोग त्रिताप क्लेश भोग करते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक दुख आदि क्लेश भोग करते हैं, पुनरूपी जननम, पुनरूपी मरणम और पुनरूपी जननी जठरे शयनम, अर्थात बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार माता के गर्भ में जा कर के पीड़ा को भोग करना, ये जो दुख है, ये जो कष्ट है, इसे एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति ही राहत दे सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण भक्ति करना चाहिए। भक्ति करने की अल्टीमेट अर्थ आखिरी फल क्या है, भक्ति करने की आखिरी फल है कृष्ण प्रेम प्राप्ति। भक्ति करते करते जो अभ्यास के द्वारा भक्ति करते करते अहितुकी अर्थात बिना कारण अकारण हम तैल धारावत भगवान के ध्यान में मगन रहेंगे और वो ध्यान बिना टूटे चलते रहे और अनर्गल चलते रहे, उस स्थिति के नाम ही प्रेम है, समाधि है। जैसा कि मैं पहले एक श्लोक भगवद्गीता से उद्धृत किया
कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्यो मामेकं शरणं व्रज, अर्थात समस्त प्रकार के धर्म परित्यग करके केवल मेरा शरण ग्रहण करो। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि धर्म सनुसृत पुंसा विश्वस्य न कथा सुज नोत्पाते जदिरतिम श्रम एव ही केवलम, अर्थात इस प्रकार के धर्म हमें करना नहीं चाहिए जो धर्म करने से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम का उत्पत्ति ना हो, अर्थात श्री कृष्ण की श्रव श्री कृष्ण की कथा में श्री कृष्ण की लीला में हमें प्रेम उत्पत्ति ना कराए, उस प्रकार के धर्म हमें नहीं करना चाहिए। ये एक्चुअली धर्म नहीं, ये है छल धर्म, ये श्री व्यर्थ का श्रम ही है। आजकल आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे धर्म संसार में चल रहा है और अपने अपने स्थिति के अनुसार सब लोग कुछ ना कुछ धर्म करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का इच्छा है कि वो सभी प्राणी मुझे भक्ति करे, मुझे प्रेम करे और मेरे पास वापस लौट के मेरा गोलोक वृंदावन नित्य धाम में आए, क्योंकि भगवान का अंश है हम मामविवांश जीवलोक के जीव भूत सनातन, ये जीव भगवान के सनातन अंश है, इसीलिए भगवान चाहते हैं कि मेरा अंश मेरे पास वापस लौट के आए, क्योंकि भगवान से बिछुड़ने के कारण, भगवान से विमुख होने के कारण हम संसार की त्रिताप क्लेश भोग रहा है, दुख भोग रहा है और भगवान उस चीज़ को देख रहा है। इसीलिए भगवान को श्री कृष्ण को बहुत ग्लानी होते हैं कि हम यहाँ पर बहुत पीड़ा बहुत दुख अनुभव करते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ के बहुत समस्याएं हम लोग झेलते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण युग युग में आते हैं, उनके भक्तों को भेजते हैं, शास्त्रों का प्रणयन कराते हैं ऋषि मुनियों के द्वारा, खुद ज्ञान अर्जुन के द्वारा देते हैं। तो इस प्रकार ज्ञान और इस प्रकार भक्तों के द्वारा खुद स्वयं आकर के भी भगवान श्री कृष्ण जो है हम सब जीव को जगतवासी को उनकी ओर ले जाने के लिए, अर्थात भगवत धाम ले जाने के लिए भगवान हमें हम लोगों को कृपा करते हैं, ताकि हम संसार के सभी प्रकार के जो बंधनों से मुक्त होकर आनंदमय जीवन को आस्वादन कर सके। तो शुद्ध भक्ति के संबंध में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, अन्न विलासित सुन्नम ज्ञानकर्मधनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति उसको कहा जाता है कि अन्न विलासिता सुन्नम, अन्न किसी प्रकार का अभिलाष के बिना ही और ज्ञान और कर्म से परे होना चाहिए भक्ति। अन्न अभिलाष को छोड़ के, अन्न अभिलाष मतलब भक्ति करने के इच्छा एकमात्र होना चाहिए कि हम श्री कृष्ण को प्रसन्न करें, उनके प्रेम प्राप्त करें, यही अभिलाषा से भक्ति करना चाहिए। और उस भक्ति में, उस शुद्ध भक्ति में ज्ञान और कर्म मिश्रित नहीं होना चाहिए। ज्ञान और कर्म के मतलब है कि किसी चीज़ को चाहते हुए संसारी किसी चीज़ को चाहते हुए, और ज्ञान शब्द में समझाना चाहते हैं कि जैसे कि अष्टांग योग, हठ योग आदि ज्ञान, ये सब जो है जो भी कुछ भक्ति के विरुद्ध हो उनके अनुसरण हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि चार्वाक ऋषि का एक चार्वाक नाम के एक ऋषि हुई, वो शरीर को ही ज़्यादा महत्व देते, भक्ति के ज़्यादा महत्व नहीं देते, इस प्रकार के ज्ञान से हमें दूर रहना चाहिए। और आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन भक्तिरोत्तमा, अनुकूल भाव से कृष्ण भक्ति की अनुशीलन करना चाहिए। जैसा कि रावण, कुंभकर्ण, कंस, हिरण्यकशिपु, शिशुपाल आदि ये जो बड़े बड़े राक्षस असुर हुई हैं, ये सब के सब जो भगवान के चिंतन में डूबे रहते थे, लेकिन उनके चिंतन, उनके जो भगवान के प्रति जो चिंतन है वो प्रतिकूल भाव से क्या करते थे, क्योंकि उस चिंतन में भगवान के प्रति प्रीति का भाव नहीं था, प्रीति से शून्य था, इसीलिए वो प्रतिकूल भाव से चिंतन वो भक्ति कदापि प्रेम नहीं दे सकते हैं। इसीलिए अनुकूल भाव से जो कर्म, जो क्रिया के द्वारा भगवान प्रसन्न होता है और उसको हम बारंबार करते रहे, अनर्गल करते रहे, तैल धरापत करते रहे, उसको ही अनुकूल भक्ति बोलते हैं, जिसके द्वारा श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। अच्छा, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना क्यों,
जैसे कि हमने वर्णन किया कि जन्म मृत्यु के चक्कर में हम पर के बहुत दुख भुगराया संसार में, तो इस दुख से मुक्त होना और भगवान श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम जा करके उनकी लीला में भाग लेना, अर्थात कृष्ण प्राप्ति। तो कृष्ण प्राप्ति तभी हो सकता है जब आप कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे, क्योंकि बिना प्रेम प्राप्त किए श्री कृष्ण को प्राप्त करने से भी आपके प्राप्ति उसको प्राप्ति नहीं कहा जाएगा। जब तक माता के हृदय में वात्सल्य नहीं होता है तब तक माता अपने संतान को पोषण नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जब तक आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तब तक आप श्री कृष्ण को आनंद नहीं दे सकते हैं, यही शास्त्र का कथन है। और वो प्रेम कैसा मिलेगा, किस प्रकार हमें प्रेम प्राप्त होगा, इसके बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण ही हमें बोलते हैं कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम वै केवलम कलो नास्ते ब नास्ते ब नास्ते ब गतिरन्नता, अर्थात कलिकाल में भगवान श्री कृष्ण के नाम ही एकमात्र गति है, इसके अलावा और कोई गति नहीं। जीव को उद्धार के लिए कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए और कोई मार्ग नहीं, अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को तैल धारावत जप करने से ही हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। ये गौरांग महाप्रभु बोलते हैं त्रणादपि सुनिचन तरुणिव सहिष्णुना अमानिना मानधेन कीर्तनिया सदा हरि, हरि के कीर्तन सदा करो, लेकिन सदा हरि के कीर्तन वही कर सकते हैं जो आपने को तिनका से भी मतलब तृण घास फूस से भी आपने को दीनहीन समझते हैं और वृक्ष से भी सहिष्णु आपने को बना लेते हैं और खुद अपमान मान सुन्न होकर के दूसरा को सम्मान प्रदान करते हैं, खुद मान का अभिलाषा सम्मान प्राप्ति की अभिलाषा छोड़ देता है और निरंतर हरिनाम जप करते हैं, वही कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, वही सदा हरिनाम कर सकते हैं। भक्ति के 64 अंग के बारे में श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में विस्तृत वर्णन किया है, इसमें हम संक्षेप में इन सब का थोड़ा थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। भक्ति के प्रथम अंग है श्री गुरु पदाश्रय। इन 64 अंगों में जो अंग विशेष वर्णन करने का जरूरत है वो मैं थोड़ा बहुत वर्णन करेंगे और बाकी सब शॉर्ट में करेंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा प्रवचन हो जाएगा। पहला श्री गुरु पदाश्रय। श्री गुरु पदाश्रय का मतलब है किसी सद्गुरु के चरणों में जाके आपने को समर्पित करना, वो सद्गुरु जो आपको श्री नाम उपदेश के द्वारा धन्य करे, अर्थात उन सद्गुरु से हमें नाम जपने का आज्ञा प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु के बिना हम आध्यात्मिक जगत के जो जगत जो है उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं और श्री कृष्ण प्रेम तो बहुत दूर की बात है, श्री कृष्ण क्या चीज़ है हम उसको जान नहीं सकते, इसीलिए श्री कृष्ण को जानने वाला महापुरुषों के चरणों में जाके ही हमें उनसे शिक्षा लेना पड़ेगा कि किस प्रकार हम कृष्ण प्राप्ति कर सकते हैं और किस प्रकार हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए महाजन के पास हमें जाना जरूरी है। श्रील जीव गोस्वामी पाद भक्ति संदर्भ में वर्णन किया है, ब्रह्मा जी के उदाहरण देते हुए एक श्लोक का उद्धृत दिया है कि यो मंत्र स गुरु साक्षात यो गुरु स हरि स्वयं गुरुर्यस्य भवेत्तुष्ट तस्सा तुष्ट हरि स्वयं। इसका अर्थ भावानुवाद इस प्रकार है, जो मंत्र है वही गुरु है और जो गुरु है वे साक्षात हरि है, वे गुरु जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं स्वयं हरि भी उन पर प्रसन्न हो जाते हैं, अन्यत्र देखा जाते हैं, अन्य अन्य शास्त्रों में भी इस प्रकार बहुत सारे वर्णन हैं। तो श्रील जीव गोस्वामी ये उदाहरण ब्रह्मा जी के मुख निश्रित वाणी के द्वारा ये उदाहरण पुराणों से दिया है। और एक उदाहरण दिया है श्रील जीव गोस्वामी पाद हरुरुष्टे गुरु स्त्रता गुरुरुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयेत, अर्थात श्री हरि
रुष्ट होने पर श्री गुरुदेव रक्षा कर सकते हैं। अगर किसी कारण से भगवान की सेवा में अपराध हो जाते हैं तो सेवा अपराध से गुरु बचा सकता है, लेकिन गुरु के चरण में अगर किसी प्रकार का अपराध हो जाते हैं तो किसी भी स्थान पे हम इसको इस अपराध का खंडन नहीं कर सकते, अर्थात इस अपराध से हम बच नहीं सकते हैं। इसीलिए बहुत सावधानी के साथ गुरु की सेवा करते हुए गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्होंने गुरुवाष्टकम में वर्णन किया है, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुतोऽपि ध्यामस्तु वंशस्य यशस्त्रिसन्दम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। अर्थात जिनकी कृपा प्रसाद प्राप्त होने से भगवान की कृपा प्रसाद प्राप्त होना हो जाते हैं, और जिनके अप्रसन्न होने से भगवान स्वयं रूठ जाते हैं, ऐसा महान गुरु के चरणों का त्रिसंदा में वंदन करता हो। इसका मतलब है गुरु अगर प्रसन्न होते हैं तो भगवान श्री हरि भी प्रसन्न हो जाते हैं, और गुरु अप्रसन्न होने से श्री हरि भी आपसे रूठ जाएंगे। इसीलिए इस प्रकार के गुरु का हम त्रिसंदा वंदन करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवत के 11:3-21 नंबर श्लोक में भी वर्णन किया गया है, तस्मात् गुरु प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मयोपसमाश्रयम। अर्थात गुरु हमें श्रद्धापूर्ण ढंग से गुरु के पास जाना और उनकी विभिन्न सेवा के द्वारा उनको प्रसन्न करना, तो तत्वद्रष्टा सद्गुरुदेव हमें तत्वज्ञान उपदेश द्वारा हमें ब्रह्मविद बनाएंगे। इस प्रकार के एक श्लोक भगवद गीता में भी पाए जाते हैं, तद्विद्धि परिप्रातन परिप्रसन्न सेवया उपदेक्षंतित्य ज्ञान ज्ञानेन तत्वदर्शिन। अर्थात तत्वद्रष्टा महापुरुष के चरणों में जा करके सुंदर सेवा के द्वारा उनको प्रसन्न करना करने से तब वो तत्वद्रष्टा महापुरुष आपको तत्व ज्ञान उपदेश करेंगे। इसलिए भगवद गीता के शुरू में ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पढ़ के ये श्लोक बोला है, कार्पण्य दोष पहतो स्वभाव पृछामी त्वाम धर्म समोरचिता यस्य ब्रूहितन में शिष्यस्ते अहम स्वादि माम ताम प्रपन्नम। इसका अनु भावार्थ इस प्रकार है कि अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में पढ़ के कह रहा है कि हे भगवान श्री कृष्ण, कार्पण्य जनित दोष के कारण अर्थात कृपणता जनित दोष के कारण मैं सद असद अच्छा बुरा दोनों ज्ञान से रहित हो चुका हूँ, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे अभी क्या करना चाहिए। अब मैं आपको मेरा गुरु मानता हूँ, आप मुझे शिष्य समझ के मुझे तत्व ज्ञान उपदेश कीजिए, कृपया मुझे तत्व ज्ञान के द्वारा उपदेश करके मेरा जीवन को सार्थक बनाइए। तब जाके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के 7 श्लोक के द्वारा उनको ज्ञान दान किया है। ये भक्ति के 64 अंग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है, जिसके द्वारा ही शुरू भक्ति के अंग सुगठित होते हैं और शक्तिशाली होती है। इसीलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा लंबा चर्चा कर रहा हूँ। आश्रय होइया जेवा भजे तारे कृष्ण नाही तेजे। एक आचार्य भजन लिखे हैं, उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति गुरु के चरणों का आश्रय लेके भजन करते हैं, सिर्फ आश्रय भर से भजन करने से ही कृष्ण उनको कभी त्याग नहीं करता है, ऐसा गुरु के सत्य वचन है। गुरु आश्रय के द्वारा हरिनाम किया जाता है, प्रचुर हरिनाम करने से बहुत दिन जब निष्ठापूर्वक हरिनाम करने से उसके बाद जो नंबर आते हैं वो है दीक्षा। अर्थात श्री कृष्ण मंत्र में गौर मंत्र में गुरु के चरणों से दीक्षा प्राप्त करना, अर्थात कान में दिव्य मंत्र को ग्रहण करना, इसको दीक्षा कहते हैं। शास्त्र में वर्णन है कि जो अनुष्ठान दिव्य ज्ञान प्रदान करता है तथा पाप एवं पाप बीज और अविद्या आदि का समूल उत्पाटन करते अर्थात समूल नष्ट कर देते हैं, उसे सत्पुरुषों ने पंडित जन दीक्षा कहते हैं।
दीक्षा के द्वारा जन्म जन्म का पाप उसी समय गुरु हरण कर लेता है। गुरु के आज्ञा से एक नया जीवन मिलता है, उसको बोलते हैं दीक्षा। दीक्षा लेने से द्विज होते हैं। द्विज मतलब दोबारा जन्म हो चुका है। द्विज मतलब दोबारा जन्म ले लिया है। एक होता है माँ बाप के द्वारा, जो माता पिता के द्वारा जो जन्म है उसको शुक्र जन्म कहते हैं, और मंत्र के द्वारा गुरु से जो जन्म प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं द्विज जन्म। शास्त्र में इस दीक्षा के बारे में बहुत सारे और बातें कहा गया, तो इस प्रकार कहते हैं कि जैसा कि किसी रसायनविद महान व्यक्ति कांसा को किसी रसायन के द्वारा मिलित करके, संयोग करके सोने में रूपांतरित कर देते हैं, इसी प्रकार किन्हीं दिव्य महापुरुष एक साधारण आम व्यक्ति को हरिनाम अर्थात श्री कृष्ण मंत्र में दीक्षा दे करके और वेद आदि ज्ञान के द्वारा उन साधारण व्यक्ति को भी ब्रह्मज्ञ तत्वज्ञ महापुरुष में रूपांतरित कर देते हैं, उसी को ही दीक्षा बोलते हैं। अर्थात रसायन विधि जिस प्रकार कांसा को सोना में परिवर्तित कर देते हैं, इसी प्रकार एक शुद्ध वैष्णव शुद्ध महापुरुष एक साधारण व्यक्ति को भी दीक्षा के द्वारा और एक ब्रह्मज्ञ एक शुद्ध वैष्णव अर्थात एक भगवत पार्षद बनाने में सक्षम होता है। इसकी तीसरा जो अंग है वो है प्रीतिपूर्वक श्री गुरु का, श्री गुरु के चरणों का सेवा। प्रीतिपूर्वक श्री गुरु सेवा। चक्षुदान दिलजे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। श्रील नरोत्तम ठाकुर कहते हैं कि जो आपको दिव्य ज्ञान प्रदान किया वो आपका जन्म जन्म का गुरु, एक जन्म का गुरु नहीं होता है, वही गुरु आपको जन्म जन्म मार्गदर्शन करेंगे। इसीलिए ऐसा गुरु का सेवा जो है बहुत प्रीतिपूर्वक श्रद्धापूर्वक भावपूर्वक करना चाहिए। श्वेता सतर उपनिषद के 6:23 में वर्णन है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरुर तस्य ते कथिता ह्यर्ता प्रकाशन्ते महात्मनो। अर्थात जिस प्रकार आप गुरु का सेवा, गुरु की सेवा करना, उसी प्रकार जो है आप भगवान का सेवा करना चाहिए, क्योंकि गुरु प्रसन्न होने से ही आपको तत्व ज्ञान मिल सकते हैं। यहाँ पे यस्य देवे पराभक्ति अर्थात पराभक्ति मतलब वैष्णव भक्ति, वैष्णव मार्ग के जो भक्ति है हरिनाम कृष्ण भक्ति, यही पराभक्ति का वर्णन वेद में पाया जाता है। अर्थात जिस प्रकार आपको गुरु का सेवा करना चाहिए उसी प्रकार आप श्री कृष्ण सेवा, अर्थात उसी प्रकार गुरु का सेवा उसी प्रकार श्री कृष्ण का सेवा, इनमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए। गुरु को श्री कृष्ण जैसा ही सेवा करना चाहिए, लेकिन हमेशा ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए गुरु जो है श्री कृष्ण के महान सेवक है। चतुर्थ है साधु मार्ग का अनुसरण। साधु मार्ग का अनुसरण का यह अर्थ है कि जिस किसी उपाय में भगवान का हमेशा याद में रहना, साधु संघ के माध्यम से हमें श्री कृष्ण को हमेशा याद रखना, अर्थात पूर्व आचार्यों के चरण कमलों के आदर्श मार्ग में हमें चलना चाहिए। जो भक्तों को पसंद होता है उस प्रकार सेवा भगवान को करना चाहिए और उसी प्रसाद से भक्तों का संतुष्टि प्रतिविधान करना चाहिए। इस प्रकार साधु मार्ग का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी पाद ने किया है। मनमानी ढंग से भजन करने से भजन का भी फलित नहीं होगा और उसमें कृष्ण प्रेम रूप जो बीज है अंकुर वो प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए शास्त्र से उदाहरण देते हुए कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधिंग बिना एकांति की हरेर भक्ति रुत्पाय तो ही वो तो कल्पते। अर्थात शास्त्रों के द्वारा जिस प्रकार हमें उपदेश दिया गया उसी प्रकार विधि विधान के साथ ही हमें भक्ति करना चाहिए। मनमानी ढंग से करने से समाज में एक प्रकार उत्पात का सृष्टि हो सकते हैं, इसीलिए इससे बचें। यही साधु मार्ग। साधु मार्ग का मतलब यही है कि शास्त्र के द्वारा शुद्ध वैष्णवों के चरण में रह करके भक्ति का अनुशीलन करें। पंचम अंग है भजन रीति नीति अथवा सद्धर्म की जिज्ञासा विषयक प्रश्न।
भजन के विषय में लालसा होना और अपने से उच्च कोटि जो वैष्णव हैं उनसे तत्व ज्ञान श्रवण करने का, उनसे शिक्षा लेने का एक अभिलाषा हमेशा बना के रखना और उसी हिसाब से उनसे शिक्षा लेते रहना। और ये अभिलाषा को ही जो है भजन रीति रीति और या कर्म सिद्धांत धर्म की जिज्ञासा विषयक प्रश्न कहते हैं, अर्थात अच्छा अच्छा प्रश्न करना ताकि हमें अच्छा अच्छा ज्ञान मिले। जहाँ कोई विशेष बात होगा और श्रील रूप गोस्वामी इसमें विशेष कुछ वर्णन किया तो इसका विशेष विस्तार करने का प्रयास करेंगे, बाकी बहुत हैं। तो छठा नंबर जो अंग है वो है कृष्णार्थे अखिल भोग त्याग। भोग किसको कहते हैं? आत्मेंद्रियो प्रीति वांछा तारे बोले काम और कृष्ण इंद्रियो प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। श्री कृष्ण के लिए जो भी कुछ हम चेष्टा करते हैं उसको प्रेम बोलते हैं और हम अपने सुख शांति आनंद और इंद्रियों की खुशामुद के लिए जो भी कुछ करते हैं उसको बोलते हैं प्रेम काम। तो काम से मुक्त होना अर्थात श्री कृष्ण के लिए संपूर्ण भोग को त्याग करने के नाम ही जो श्री कृष्ण के लिए अखिल भोग का त्याग करना। भोग जैसा कि अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा मकान बनाना, अच्छा खाना खाना, अच्छा जगह पे घूमना, अच्छा स्त्री होना चाहिए, इस प्रकार के जो मन में कामना के काटा है वो चुभे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार कामना के काटा लेके मन में चुभा हुआ कामना के काटा लेके कृष्ण के चरणों में ध्यान कभी नहीं लगता है, इसीलिए संपूर्ण भोग को त्याग करना ही, अपने प्रिय वस्तु का त्याग करना ही श्री कृष्ण के लिए अखिल भोग त्याग। इसको वही है कि आपने इंद्रियों की इच्छा के अनुसार जो शास्त्र विरुद्ध होने पर भी कोई करते हैं, शास्त्र में वर्णन है कि शराब नहीं पीना चाहिए, गांजा नहीं पीना चाहिए या कुछ मांस मछली अंडा आदि नहीं खाना चाहिए, तो इस प्रकार जो है निषिद्ध चीज़ है फिर भी कोई ऐसा करते हैं तो वो अपने जीवा के द्वारा प्रताड़ित हो रहा है। तो इस प्रकार के जीवा के द्वारा प्रताड़ित होने से वो ना तो कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं और ना तो कृष्ण उनसे कभी प्रसन्न होता है। अगर किसी का कर्म के द्वारा बहुत जन्म का जो कर्म होता है उसके द्वारा वो प्रभावित है तो उसको प्रयास करना चाहिए कि कैसा छूटे, धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। आजकल तो बहुत सारे ऐसा ये भी है कि किस प्रकार नशा छोड़ाया जाता है और बहुत मदिरा को भी छोड़ाया जाता है, इस प्रकार बहुत सारे केंद्र तैयार है। तो हमें हर तरह से प्रयास करना चाहिए ये सब शास्त्र विरोधी चीज़ों से बचना। और सप्तम भगवत प्रेम के जो भक्ति के जो अंग है वो है तीर्थवास और तीर्थों की महिमा कान में श्रवण करना। तीर्थों में वास करना, तीर्थवास मतलब जैसे कि वृंदावन, मथुरा, नवद्वीप, मायापुर आदि तीर्थों में वास करना और अगर वास नहीं होता है तो श्रवण करना। तीर्थ की महिमा श्रवण करने से भी तीर्थवास का फल मिलते हैं। कलिकाल में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है श्रीधाम मायापुर नवद्वीप धाम, जहाँ पे सचिनंदन गौरांग अर्थात कलिपावन अवतार भगवान गौर सुंदर जो श्री कृष्ण ही है वो आज से तकरीबन 550 साल पहले जो है नवद्वीप मायापुर में अवतरित हुई है। तो नवद्वीप धाम सर्वश्रेष्ठ है, जैसा नवद्वीप धाम वैसा ही वृंदावन धाम। तो वृंदावन और नवद्वीप में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। जगन्नाथपुरी में भी आप निवास करके तीर्थवास का लाभ ले सकते हैं। द्वारिका, हरिद्वार, ऋषिकेश, इन सब जो है तीर्थ ही हैं। किसी भी तीर्थ आपके अनुकूल होता है तो आप उनमें रह करके आनंद ले सकते हैं और श्रवण आदि के द्वारा भी तीर्थवास का लाभ ले सकते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये सब तीर्थ स्थान हैं, इन सब में आप निवास कर सकते हैं और उनके बारे में श्रवण कर सकते हैं। 8 नंबर भक्ति के अंग है कि जितना जरूरी है इतना ही विषय को ग्रहण करना और इससे ज़्यादा होने से भी विषय में आसक्त हो सकते हैं, इससे कम होने से थोड़ा बहुत समस्या हो सकते हैं जिससे आपका भक्ति भी डगमगा सकते हैं, इसलिए यथा योग्य विषय को भोग करें अनासक्त होकर के। थोड़ा बहुत पैसा भी कमाना चाहिए,
और एकदम ज़्यादा वैरागी करने से भी समस्या है, क्योंकि बाद में आपका भक्ति में ही विघ्न खड़ा हो सकते हैं। इसीलिए यथा यज्ञ विषय भोगना चाहिए, इस प्रकार आज्ञा श्रील रूप गोस्वामी देते हैं। इसमें अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भक्ति के, जो कि एकादशी व्रत। हम लोग बहुत सारे व्रत करते हैं, बहुत सारे माताओं करते हैं, बहुत सारे लोगों ने करते हैं, बहुत बहुत इच्छा कामना वासना के द्वारा प्रभावित होकर करते हैं। लेकिन शास्त्र में वर्णन है कि एकादशी की समान, एकादशी से बढ़ के या एकादशी के समान कोई भी व्रत नहीं है जो हरि को प्रसन्न करने में और कोई व्रत इसके बराबरी हो सकते हैं। इसीलिए सिर्फ एकादशी व्रत करने से ही समस्त व्रत का पालन हो जाते हैं। जैसे कि गंगा स्नान करने से समस्त तीर्थों में स्नान करना हो जाता है, जैसे कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से समस्त मंत्र जपना हो जाता है, जैसे वृंदावन मायापुर में निवास करने से समस्त तीर्थों में निवास हो जाता है, इसी प्रकार एकादशी व्रत करने से समस्त व्रत आपके द्वारा हो चुका होता है और कोई व्रत का जरूरत नहीं। और उस व्रत पालन करने का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम श्री हरि को प्रसन्न कर सके, क्योंकि एकादशी एक देवी है जिन्होंने भगवान श्री विष्णु से वर लिया कि मेरा तिथि जो पालन करे आप उनको, हे प्रभु हे विष्णु आप उनको आपके प्रेमा भक्ति दान करेंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि एवं वस्तु, जो तुम्हारी ये तिथि पालन करे, आज एकादशी है, आज हम लोग एकादशी व्रत कर रहे हैं, तो जो आपके व्रत पालन करेंगे वो मेरे प्रति मेरे चरणों में प्रेमा भक्ति प्राप्त करेंगे। एकादशी को हरिवासर भी कहा जाता है। हरिवासर का मतलब है भगवान हरि के निकट वास करना, अर्थात निकट, निकट मतलब नज़दीक, उपवास अर्थात उप मतलब निकट, वास मतलब बैठना, अर्थात हरि के निकट बैठ के उनका मंत्र जप करना, उनका ध्यान करना, उनकी कथाएं सुनना और उनके नाम जप करना, ये हरि वासर है। उपवास का मतलब ही है उप निकट, निकट में, और वास मतलब बैठना, रहना। हरिवासर, हरिवासर मतलब हरि को प्रसन्न करने की एक विशेष तिथि है। इसीलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जो एकादशी निष्ठापूर्वक करते हैं, भगवान हरि उनको जल्दी अपना प्रेम देते हैं। और दशम अंग है अश्वत्थ, तुलसी, धात्री, गो, ब्राह्मण और कृष्ण भक्त की सम्मान। अश्वत्थ आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोला कि मैं वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ। तो अश्वत्थ वृक्ष एक महत्वपूर्ण भगवान की विभूति है। और यहाँ पे तुलसी, तुलसी भी भक्ति देवी है, प्रेमा देवी है, जिनकी आराधना करने से भगवत भगवान प्रसन्न होते हैं और राधा कृष्ण के प्रेम प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी की महत्व बहुत ही बड़ा महत्व है। आगे भी श्री रूप गोस्वामी पर तुलसी की एक भी अलग से महत्व रखेंगे, एक अंग रखेंगे, इसीलिए यहाँ पे मैं इतना ही कह रहा हूँ। और धात्री, धात्री मतलब आंवला, आंवला के वृक्ष को भी सेवा करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। उन आंवला के वृक्ष के वृक्षों में भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, भगवान विष्णु निवास करते हैं। आंवला के वृक्ष के नीचे आराधना करने से बहुत जल्दी फल प्राप्त होते हैं। गौ माता जो जगत माता है, जगत पूज्या है, उनके दूध के द्वारा, उनके गोबर मूत्रों के द्वारा जो जगत को शुद्धिकरण करते हैं, तो इनके हमारी माँ की तरह है, वो हमारी माता हैं, हम उनकी आराधना करना चाहिए, यथाशक्ति उनकी सेवा करना चाहिए और उनकी स्तव स्तुति करना चाहिए। ब्राह्मण जो भूसुर है, अर्थात दो पैर में चलने वाला, इस संसार में जो दो पैर में चलने वाला जो देवता है वो भूसुर है। भू मतलब पृथ्वी और सुर मतलब देवता, पृथ्वी में चलने वाला जो भूसुर वो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण मतलब क्या है, जो न गुण संपन्न है वही ब्राह्मण है।
क्षमा दम तप शौच खांति आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम, इस प्रकार के न गुण युक्त जो व्यक्ति है वही ब्राह्मण है। और ये न गुण जो है एक शुद्ध वैष्णव में पाया जाता है, इसलिए ब्राह्मण मतलब वैष्णव है। उच्च कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण तो है ही, अगर उसके पास सारे गुण हैं, अदरवाइज नहीं तो क्या है, जो वैष्णव धर्म पालन कर रहे हैं उनके अंदर ही ब्राह्मण प्लस वैष्णवता पाया जाता है। वो श्री कृष्ण भक्त भी है और सारे गुण उनमें पाए जाते हैं ब्राह्मण का और वैष्णव का। तो श्री कृष्ण भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है और सर्वसम्मानीय है, उनके आराधना करने से कृष्ण प्रेम प्राप्ति होती है। इन सब अंग जो है, जैसा कि एक शरीर के लिए हाथ पैर आँख नाक कान सब कुछ चाहिए, इसी प्रकार भक्ति देवी को गठन करने के लिए, हृदय में स्थापन करने के लिए, तो हमें ये भक्ति के छोटे छोटे भक्ति के अंगों को हमें अपने हृदय में लाना अति आवश्यक है। इसीलिए कोई अंग छोटा बड़ा ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी एक अंग के द्वारा भी आप कृष्ण को पा सकते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त पा सकते हैं, और सारे अंग पालन करके भी आप कृष्ण प्रेम पा सकते हैं, या तो इसमें से दो तीन अंग पालन करके भी आप कृष्ण प्रेम पा सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप कृष्ण प्रेम को पा सकते हैं, ये अंगों के अंदर इतना शक्ति है, इसीलिए कोई अंग कम नहीं है। जब जैसा मौका मिले तब उस अंग को पालन कर लेना चाहिए, इसी से ही हमें एंगेजमेंट मिलता है भक्ति में रहने का। हमारी मति चंचल है, हमारे इंद्रिय चंचल है, इसीलिए भगवान बहुत सारे लीला के द्वारा, बहुत सारे चीज़ों के द्वारा हमें हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, एकाग्रत करने के लिए, कृष्ण के चरणों में हम रखने के लिए ये सब बातें कृष्ण ने बताया, ताकि हम यह न कहना प्रकार हम मन कृष्ण में लगा के रख सकता है। तो तुलसी की आराधना का नौ प्रकार के, जैसे कि उपासना पद्धति है, दर्शन, स्पर्श, जलदान लगाना, उसमें साफ सफाई करना, उनका परिक्रमा, उनके प्रणाम, प्रदक्षिणा आदि जो है नौ प्रकार की तुलसी आराधना है। ऐसा करने से जो है हमें बहुत जल्दी श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी। श्रीमती राधारानी तुलसी महारानी की सेवा करके कृष्ण प्रेम प्राप्त किया, एक लीला के द्वारा राधारानी दिखाया कि तुलसी पूजा, तुलसी की आराधना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। ये कथा गर्ग संहिता में बृहद रूप में अर्थात बड़ा रूप में मिलते हैं, हम यहाँ पे श्री बिन का नाम टच किया है। अभी देखिए हम 10 तक कर लिया है, 10 में हमें क्या देखा कि वैष्णव संग करना चाहिए, तुलसी आराधना करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो सब करना चाहिए, चाहिए तक आया है, अर्थात करना चाहिए विधि। अभी निषेध रूप में जो है 10 आएंगे, ये 10 का हमें ध्यान देना चाहिए। पहला जो 11 नंबर जो भक्ति के अंग है वो है असाधु संग त्याग, अर्थात अभी त्याग का बात आएगा, निषेध का बात आएगा, इसीलिए ध्यान देना। असाधु मतलब क्या है, जो संसार, जो कृष्ण से विमुख है और संसार मुखी है, हमेशा संसार के बातें करते रहते हैं, पैसा का बात करते रहते हैं, स्त्री का बात करते रहते हैं, और जो कामिनी कांचन लुलुप है, इस प्रकार के विषयी व्यक्ति के संग से बहुत दूर रहना चाहिए, जिससे कृष्ण भक्ति नष्ट हो सकता है, इसीलिए उनका संग कदापि नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं असाधु व्यक्ति की संग त्याग। और 12 नंबर जो भक्ति के अंग है, बहु शिष्य करण त्याग, ये खास करके गुरुओं के लिए, जो गुरु बन चुका है और बनना चाहते हैं उनके लिए है कि बहु शिष्य करण त्याग, अपने दल भारी करने के लिए और अपने परंपरा को महान बनाने के लिए, अपने संप्रदाय को ऊँच बनाने के लिए जो लालसा है, जो कि उचित नहीं है, ऐसा करने से, ऐसा अगर आपके मन में आ जाएगा तो हम अपने दल को भारी करेंगे, अपना संप्रदाय को और ज़्यादा या करेंगे, तो उससे क्या होता है कि आप ऐसा ऐसा व्यक्ति को भी आपको शिष्य बनाना पड़ेगा जो शिष्य का काबिल नहीं है, जिसमें शिष्यत्व नहीं है, जिसमें बहुत सारे श्रद्धा का कमी है। इस प्रकार अश्रद्धालु को अगर आप ऐसा दीक्षा देते जाएंगे तो उत्पात सृष्टि होगा और इससे गुरु और शिष्य दोनों नरकगामी होगा। इसलिए श्री रूप गोस्वामी उपदेश करते हैं कि बहु शिष्य न बनाए, बहु शिष्य बनाने से भक्ति नष्ट होते हैं, भक्ति को हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। और 13 नंबर जो उपदेश है, भक्ति का अंग है, वो है बहुरामबत्याग,
बहारम्भ अर्थात बाहरी आरम्भन, आरम्भ मतलब बहुत दिखावा, जैसा कि कोई हमारे पास पैसा नहीं है, हम गुरु महाराज के लिए जो है व्यास पूजा करेंगे, हमारे पास पैसा इतना नहीं है, हम कहाँ से इतना बड़ा व्यास पूजा करेंगे, कोई हमारे पास सेठ साहु भी नहीं है और सबके पास फिरते बेरो कि गुरुदेव का व्यास पूजा करेंगे, हमें चांदा दीजिए, दक्षिणा दीजिए, इस प्रकार जो मन भाव हैं और इसमें बहुत सारे समस्या आ सकते हैं, भक्ति की गिरावटी आएगी, इसीलिए इस प्रकार के भावना ही नहीं रखना चाहिए। आपके पास जितना शक्ति है सामर्थ्य है उसी हिसाब से आप करिए। जन्माष्टमी करना, गुरु पूर्णिमा करना, रामनवमी में करना, नरसिंह चतुर्दशी करना, सीता नवमी करना, जो भी करना आपको आपके शक्ति के अनुसार ही करिए। थोड़ा मोड़ा कर सकता है लेकिन अधिक दिखावा करते हुए संसारियों के पास ढुलते रहना ये भक्ति के लिए पतन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री भक्ति श्री रूप गोस्वामी ऐसा कहते हैं। 14वां अंग है बहुत शास्त्र व्याख्यान नहीं करना और बहु शास्त्र की विवाद में नहीं पड़ना। जैसा कि कोई व्यक्ति होता है कि ये भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, वो भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, इससे उसका उसका दिमाग भी भ्रम हो जाता है कि वो कोई भी शास्त्र को परिपूर्ण रूप से ठीक से आद्यपान तो नहीं जान पाते हैं, सिर्फ अपने पांडित्य तो दिखाने के चक्कर में और जो अध्ययन करते हैं इससे पांडित्य तो आज आ सकते हैं लेकिन भक्ति नहीं आ सकती है, भक्ति नहीं आएगी। इसीलिए बहुशास्त्र अध्ययन नहीं करना चाहिए। भक्तिमूलक शास्त्र जो है जैसा कि श्रीमद् भागवत, भगवद गीता और चैतन्य चरितामृत, भक्तिश्रामृत सिंधु आदि जो महापुरुषों के जो ग्रंथ है, वैष्णवों के जो ग्रंथ जो कृष्ण भक्ति दे प्रेम दे सकते हैं, वैसा ग्रंथों को आप पढ़ सकते हैं। और एक ग्रंथ को जब पढ़ना है तो उसको आद्यपंत अर्थात संपूर्ण रूप से अध्ययन करना और किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास रह कर अध्ययन करना, इससे आपका उस तत्व को समझ में आएगा। इसीलिए बहु ग्रंथ व्याख्या विवाद त्याग, ऐसा भक्ति सिंधु में वर्ण है। भक्ति का 14वां अर्थात 14 जो अंग है वो है व्यवहार में कृपणता त्याग। अर्थात आपके पास बहुत सारे धन है, पैसा है, आपके पास शक्ति है, तो उसी शक्ति के इस्तेमाल करते हुए आप बड़े बड़े अनुष्ठान करिए, दान ध्यान करिए और गौ माता का सेवा करिए, इस प्रकार आपके कृपणता को त्याग करते हुए जो आप जो है भगवान का सेवा करने से कि श्री कृष्ण प्रसन्न होगा। वैष्णव सेवा देना चाहिए, तीर्थों का सेवा करना चाहिए, जिस प्रकार हो सके आपका शक्ति के अनुसार, मतलब कृपणता कंजूसी त्याग करिए, कंजूसी मत बनिए, ऐसा वर्णन ऐसा उपदेश देते हैं। और 16 जो अंग है वो है शोक क्रोध आदि त्याग। शोक मतलब जैसा कि कोई चीज़ आपका डूब गया, कोई व्यापार डूब गया, नौकरी डूब गया, किसी का पुत्र मर गया, बहुत शोक होता है, बहुत दुख होता है, मन एकदम टूट जाते हैं। अगर ऐसा टूटा ही हुआ रहेंगे ज्ञान के द्वारा आपका इसका नष्ट नहीं करेंगे तो आप भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मन को भगवान में लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप शोक और मोह के अंडरगार्ड में अगर आ जाएंगे तो आप कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते हैं। और सुख होने से मन चित्त चंचल हो जाते हैं, मन एकाग्र नहीं होते हैं और कृष्ण का ध्यान नहीं लगता है। और किसी छोटे बड़े चीज़ को जब आपके नहीं हो पाते, सक्सेस नहीं होता है, उससे क्रोध नहीं होना चाहिए, अक्रोध होके भगवान की इच्छा समझ के उसको ऐसा समझना चाहिए। अर्थात क्रोध और शोक को त्याग करना चाहिए। शोक मतलब दुख और क्रोध का मतलब है आपके किसी प्रकार का कामना का पूर्ति नहीं हुई जिसके कारण आपका क्रोध हो गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कामना पूर्ति हुई तो भगवान, इच्छा नहीं हुई तो उनकी कृपा, ऐसे समझ के उसको भूल जाना चाहिए। और 17 अर्थात 17 जो अंग है अन्यान्य देवताओं को निंदा और अवज्ञा त्याग। कोई अगर कर्मवश किसी ऐसा जगह पर जन्म लिया जहाँ पे उनको देव उपासना करना पड़ रहा है, वो शुरू से देवता की भक्त है, या उसका अभी तक सुकृति का पूंजी इकट्ठा नहीं हो पाया जिससे वो श्री राधा कृष्ण के सुंदर माधुर्यमय लीला को आस्वादन कर सके, रूप का ध्यान कर सके, या उनका ऐसा ज्ञान नहीं प्रस्फुटित हुई, या उसका जैसा मति भगवान ने दिया वो इस प्रकार कोई देवता का आराधना कर रहा है, उसको भी
देवता का उपासना को ना तो निंदा करना चाहिए ना तो वो उपासक को निंदा करना चाहिए, उनसे बहुत प्रेम पूर्वक सौहार्दपूर्वक वार्ता करना चाहिए, उनको कृष्ण प्रसाद खिलाना चाहिए। और अगर वो कभी पूछते हैं कोई चीज़ भगवान के बारे में तो उनको प्रेम पूर्वक बताना चाहिए सारे बातें जो गीता भागवत में वर्णन है। उनको अवज्ञा या निंदा या हेय रूप में उनको कभी देखना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपको जो करुणा का प्रदर्शन होगा भगवान आपसे प्रसन्न होगा, ठीक है। और 18 नंबर अंग है प्राणी मात्र को उद्वेग न देना। हमें ऐसा हमेशा ध्यान रखना चाहिए भजन में कि हमारे द्वारा किसी भी जीव को कष्ट ना मिले। वो कष्ट ऐसा हो सकते हैं मन से हो सकते हैं, किसी को आप मन ही मन आप किसी को कोस रहे हो, मन से भी किसी का कष्ट नहीं देना चाहिए, वाणी से भी नहीं देना चाहिए और क्रिया से तो कदापि नहीं देना चाहिए। वाणी से भी किसी को कटु वाक्य बोल के किसी का मन को व्यथित नहीं करना चाहिए जिससे उनके हृदय में भगवान बहुत दुखी होते हैं। तो ऐसा करने से भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। 19 नंबर जो भक्ति के अंग है वो सेवा अपराध नाम अपराध त्याग। यहाँ पे सेवा अपराध और नाम अपराध का एकदम पूरा पूरा नाम नहीं दिया गया क्योंकि सेवा अपराध 32 प्रकार है वो आप लोग अलग से देख लीजिए और नाम अपराध 10 प्रकार है वो अलग से देख लीजिए। तो सेवा अपराध और नाम अपराध ये दोनों को बहुत दूर से त्याग करना चाहिए। अगर नाम अपराध बिना त्याग किए नाम जपते हैं तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति कभी नहीं होगी। और सेवा अपराध भी इसी प्रकार हैं, नाम अपराध सेवा अपराध किसी प्रकार का अपराध ना करना चाहिए, बस धाम अपराध भी है। और 20 नंबर अंग है गुरु कृष्ण भक्त निंदा सहन त्याग। अगर आपके सामने किसी महापुरुष का निंदा कोई व्यक्ति कर रहा है, किसी साधु का निंदा कर रहे हैं, खास करके अपना गुरु का निंदा कर रहे हैं, तो पहला कार्य तो है कि अगर आपके पास समर्थ है शक्ति है तो उस बंदा को उस व्यक्ति को दंड दीजिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो करना चाहिए उस स्थान से आपको दोनों कान में अंगुली ढाल करके और उस स्थान को त्याग करना चाहिए और वस्त्र के सहित कपड़ा के सहित आपको गंगा स्नान या किसी नदी में या जल से स्नान करना चाहिए। देखिए हमें तो ये आखिरी वाला ही सही लग रहा है क्योंकि अभी इस समय जो है दंड पंड कहाँ देंगे आप किसको देंगे वो सब छोड़िए। और वो भी बात है कि अगर आपके पास ताकत है वो बात है, वो भी एक बात है, आप बहुत बड़ा आदमी है और वो छोटा व्यक्ति ऐसा कुछ कर रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप कान में उंगली डाल के स्नान कर लीजिए या तो आप बड़ा व्यक्ति है तो आप उसको दंड दीजिए। ये तीन बातें आप कान में उंगली डाल के जाके भजन करो जाके। ये 21 जो 21 नंबर भक्ति के अंग है वो है वैष्णव चिन्ह धारण। वैष्णव चिन्ह धारण मतलब जैसे कि कंठी माला, गले में तुलसी रुद्राक्ष आदि माला है, कमल बीज के माला है, ये सभी माला जो है पुण्यदायी और बहुत शुद्ध होते हैं। लेकिन उनमें तुलसी की माला तुलसी की कंठी ये सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण प्रेम देने में समर्थ है, इसीलिए वैष्णव मात्र जो है तुलसी अवश्य ही धारण करे कंठ में गले में। और तिलक ऊर्ध्वपुंड तिलक जो शिव भक्त हो त्रिपुंड तिलक और वैष्णव मात्र ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण करे, द्वादश अंग में तिलक धारण करे और वहाँ पे मंत्र द्वारा भगवान को प्रतिष्ठित करे। इस प्रकार वैष्णव चिन्ह धारण करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ऊर्ध्वपुंड तिलक के लिए तिलक किस प्रकार करना चाहिए इसमें शास्त्र में वर्णन है कि वृंदावन की धाम के रज, राधाकुंड की मिट्टी और तुलसी महारानी के जो मूल उन मूल से मिट्टी उठा करके और द्वारिका जो चक्र तीर्थ में जो मिट्टी मिलता है वो गोपी चंदन के द्वारा आप जो है ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण कर सकते हैं। उनमें वैष्णव लोग श्रेष्ठ यही मानते हैं कि गौरी वैष्णव लोग जो कि ऊर्ध्वपुंड धारण करने के लिए और द्वारिका रज ही ग्रहण करते हैं जिसको गोपी चंदन बोलते हैं। गोपी चंदन शास्त्र में वर्णन है जिनके माथे पे गोपी चंदन है यमराज बोलते हैं, हे यमदूत यमदूतो तुम लोग ध्यान से सुनो, जिसके माथे पे गोपी चंदन चमक रहा है उसको दूर से ही प्रणाम करके भग जाओ।
अगर उसके पास गया तो तुम लोग जल के भस्म हो जाओगे, मेरा कोई मुझे कोई दोषारोप नहीं कर सकते हो। और जिसके कंठी में जिसके गले में कंठी है और जिसके मुंह में हरिनाम है, कंठी मतलब तुलसी की कंठी है, उनके सामने तक मत जाना। वो कैसा भी पापी हो, वो तुम्हारे दायरे के बाहर है। तो इस प्रकार शास्त्र में वर्णन है, महत्व है, गरुड़ पुराण में भी है, हरिभक्ति विलास में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी दिया है। हरिनाम अक्षर धारण, हरिनाम अक्षर धारण का मतलब है तिलक के द्वारा या जो मिट्टी के जो रज वृंदावन के रज के द्वारा आपके शरीर के अंग में, जैसे कि छाती में या बाहू में, मत्थे के साइड में, तो इस प्रकार हरिनाम अक्षर हरे कृष्ण या गौरांग या आप राधा श्याम सुंदर, जैसा आपको जिस भगवान का पसंद है, राम राम सीता, ऐसा आप लिख सकता है। इसको हरिनाम अक्षर धारण बोलते हैं। हरिनाम अक्षर धारण करने से शरीर भी एक भगवान के मंदिर के जैसा लगते हैं, नाम प्रभु इधर निवास करते हैं, और हरिनाम का चादर भी आप धारण कर सकते हैं। इस प्रकार हरिनाम अक्षर धारण कर सकते हैं जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। 23 है निर्माल्य धारण। निर्माल्य धारण जैसा कि भगवान को जो भी चीज़, जो भी वस्तु भगवान को अर्पण किया जाता है, जैसे कि फूल है और फूल की माला है, तुलसी की माला है और चंदन धूप दीप नैवेद्य आदि जो भी कुछ, ये सब कुछ निर्माल्य है। निर्माल्य धारण करने से आप मुक्त भगवत एकदम भगवत कृपा प्राप्त कर सकते हैं और माया से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत ने उद्धव ने कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके माया से बहुत आसानी से मुक्त हो गया हूँ, क्योंकि मैं सब जो भी कुछ धारण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, वो सब आपके प्रसाद धारण करता, आपके निर्माल्य धारण करता हूँ। इसीलिए उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पहना हुआ वस्त्र पहनते थे, भगवान श्री कृष्ण के गले के माला पहनते थे, चंदन भगवान की प्रसादी चंदन लगा देते, भगवान के खाया हुआ जूठा छोरा हुआ जूठा खाते थे। इसीलिए उद्धव जी इस प्रकार के बातें कहा है कि उद्धव जी कहा कि मैं आपके माया मुझे कुछ नहीं कर सकते, बिगड़ सकते, क्योंकि मैं आपके जूठा के ऊपर, आपके निर्माल्य के ऊपर आश्रित हूँ। इसीलिए निर्माल्य अति आवश्यक वस्तु है भक्ति में। 24 है भगवान के सामने नृत्य करना। आप लोग जानते हैं कि भगवान के सामने नृत्य करने से भगवान कितना प्रसन्न होता है। नृत्य ही ऐसा एक भक्ति का अंग है जिससे आपका संपूर्ण इंद्रिय उस समय क्रियाशील हो जाते हैं। इसीलिए नृत्य अति मनोरम चीज़, अति प्रसन्न करने वाला एक विशेष अंग है, उसको आप जरूर करना। गौरांग महाप्रभु स्वयं करते थे, नित्यानंद प्रभु स्वयं करते थे। और 25वां अंग है 25, वो है दंडवत प्रणाम करना। माताओं को पंचांग दंडवत और जो प्रभु जी लोगों को जो है उनको साष्टांग दंडवत। साष्टांग मतलब जिसमें 8 अंग का मिलन होते हैं, माथा छाती बाहें जो जांग घुटना ये सब टच होना चाहिए, और मन को अर्पण करके भगवान को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। एक दंडवत से भगवान बिक जाते हैं और 2 दंडवत से आप भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। यह शास्त्र में वर्णन है कि एक दंडवत से भगवान आपका हो जाएगा। और माताओं को पंचांग प्रणाम के द्वारा भगवान को खुश करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए। दंडवत का बहुत महत्व है, ऐसा करना चाहिए। 26 है अभ्युत्थान। अभ्युत्थान जैसा कि भगवान का मंदिर बंद होता है, भगवान का कपाट बंद होता है, खुलते हैं, उस समय उठ के खड़ा होना और जो है उनके सामने जाके झुक के उनको प्रणाम करना, उनको आह्वान करना, हे प्रभु हम आप हमें दर्शन दिया, आपको बहुत बहुत आभारी धन्यवाद है, ऐसा भगवान मन ही मन प्रार्थना करना। और जहाँ पे भगवान की डोली पालकी वगैरह, भगवान के लिए जो रथ वगैरह चलते हैं, उस स्थान पे भगवान के आगे पीछे जो चामर व्यंजन आदि के द्वारा भगवान को सेवा करना, भगवान के पीछे पीछे चलना, ये अभ्युत्थान है। उसके साथ साथ जो 27 है वो है अनुब्रजा। अनुब्रजा का भी सिमिलर है कि खास करके रथ चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण के रथ पालकी वगैरह चलते हैं और नगर भ्रमण आदि होते हैं, तो उनके साथ साथ चलना, इसको बोलते हैं अनुब्रजा।
और 28 है श्री मूर्ति सामने जाके श्री मूर्ति स्थान में गमन, अर्थात भगवान जो मंदिर खुले हुए हैं, भगवान अकेला खड़े हैं, आप अपने रूम में कुछ कर रहे हैं, मंगल आरती के समय हो गया या दर्शनार्थी के समय हो गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दौड़ के भगवान के चरणों में जाना चाहिए। हे प्रभु हम आपको क्या दर्शन करें, आप मुझे दर्शन करिए, देखिए आप अपने दृष्टि से मेरा अज्ञान हर लीजिए और मुझे शुभ ज्ञान शुभ भक्ति प्रदान कीजिए जैसा मैं आपका सेवा कर सकूं। इस प्रकार शिवमूर्ति के सामने जाना चाहिए। और 29 परिक्रमा, जैसा कि तुलसी की परिक्रमा, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, राधाकुंड की परिक्रमा, ऐसा परिक्रमा के बहुत महत्व है। दक्षिण साइड में दक्षिण और देवताओं को ऐसा महान पुरुषों को भगवान को रख के परिक्रमा करना चाहिए, आपके दाएं तरफ होना चाहिए वो व्यक्ति, वो भगवान के मूर्ति और भगवान के जो भी विग्रह आदि हो, ऐसा परिक्रमा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ परिक्रमा है श्री गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा, जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसकी शुरुआत किया है। 30 नंबर है अर्चन। अर्चन में 16 प्रकार का अर्चन का पद्धति है, जिसमें आसन, स्वागत, आचमन, पाद्य अर्घ, मधुपर्क, पुनराचमनियम, स्नान, वसन, आवरण, गंध, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, चंदन आदि सुरस उपचार के द्वारा भगवान के पूजन किया जाते हैं। अगर आप सुरस उपचार में नहीं कर सकते घर में, तो पंचोपचार करिए, दूपचार से कर सकते हैं, ऐसा विधि है, लेकिन सुरोचोपचार उपासना जो है वो श्रेष्ठ उपासना है। अगर मंदिरों में तो खास करके ऐसा ही होता है, घर में थोड़ा कम भी हो सकता है। 31 है परिचर्या। परिचर्या के अर्थ है भगवान एक राजाधिराज, राज राजेश्वर, हम उनको महाराज की तरह जो है चावर आदि डुलाएंगे, पंखा झलाएंगे, खूब आरती करेंगे, खूब गीत गाएंगे, वाद्य करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्तुति करेंगे, वो राजा है, हम उनके प्रजा है, इस प्रकार जो है करने के नाम उसको बोलते हैं परिचर्या। गीत, भगवान के सामने विभिन्न महापुरुषों के द्वारा जो गीत गए हैं, गाया हुआ है, उन सारे गीत को गाना, जैसा कि भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि के, और भागवत में भी बहुत स्तुति है, गोपियों के गीत है, ये सब के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। इससे मन वाणी क्रिया भगवान में लगे रहने से धीरे धीरे इंद्रिय शुद्ध होते हैं, हृदय में धीरे धीरे भक्ति प्रकाशित होती है, इस प्रकार हम कृष्ण के करीब जा सकते हैं। ऐसा करना चाहिए, सदा करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। भगवान ये सारे अंग इसीलिए दिया, हमें किसी ना किसी अंग में तो मन लग ही जाएगा। अरे कुछ अच्छा ना लगे तो सिर्फ प्रसाद ही खाओ, प्रसाद खाना भी भगवान की एक भक्ति का अंग है। कुछ अच्छा नहीं लगते तो गाना गाओ, नाचो, गीत गाओ, इस प्रकार भगवान चाहते हैं कि हम किसी ना किसी क्रिया में एंगेज रहे, उनके साथ युक्त रहे, कि हम भगवान जानते हैं कि हम बहुत जो है शैतान है, हमारे इंद्रिय भगवान में लगते नहीं, इसीलिए भगवान भिन्न भिन्न लीला के द्वारा उन्होंने चाहते हैं कि तुम्हें पूजा करना अच्छा नहीं लगते है तो प्रसाद खाना अच्छा लगते है, तो मेरा प्रसाद खाओ, तुम्हें प्रसाद खा के पेट भर गया तो नाचो गाओ, इस प्रकार भगवान चाहते हैं कि हम उनकी सेवा में लगे रहे। संकीर्तन, संकीर्तन एक सर्वश्रेष्ठ अंग है, क्योंकि भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। भजन में नविदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सक आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार का भक्ति के अंग है। देखिए हम 64 प्रकार के भक्ति के अंग का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उनमें से 9 प्रकार का भक्ति के अंग को श्रेष्ठ माना गया भागवत में। उन 9 प्रकार के अंगों में से भी श्रेष्ठ है कीर्तन, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लोइले पाए महादन।
इन नाम जो है संकीर्तन है वो भक्ति की सर्व सर्व सर्वश्रेष्ठ अंग है। इसलिए गौरांग महाप्रभु बोलते हैं कीर्तन या सदाहरि। इस शब्द को, इस मंत्र को हमारे श्रील प्रभुपाद के जो गुरु जी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, वो भी हमेशा कहा करते थे कि कीर्तन या सदाहरि, हमें हरि के नाम सदा कीर्तन करना चाहिए। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि निर अपराध, अपराध से मुक्त होके हरि नाम करने से प्रेम प्राप्त होते हैं। कलिकाल में और कोई विशेष धर्म की आज्ञा शास्त्र में नहीं है, लेकिन सिर्फ भगवान नाम का ही, नाम कीर्तन का आज्ञा गौरांग महाप्रभु भी दिया, भागवत में भी दिया और अन्य पुराणों में भी व्यास जी ने रचना किया है। उसके बाद 34 जो अंग जो है भगवान नाम जप, नाम जप जप तीन प्रकार है, एक होता है उपांश, एक होता है मानसी, एक होता है वाचिक। वाचिक जप इस प्रकार है कि आपके साथ दो चार लोग सुन सकेंगे, ये वाचिक जप है। उपांश जप जो है सिर्फ आप ही सुनेंगे और कोई नहीं सुनेंगे। और मानसिक जप है वो आप तक नहीं सुन सकते हैं, सिर्फ आपके मन में वो जप का ध्यान चलते रहेगा और आपके जीवा में वो हरि नृत्य करते रहेगा, वो सिर्फ आप ही फील कर सकते हैं, कोई और नहीं फील कर सकते है। इसको बोलते हैं मानसिक जप। मानसिक जप बहुत ध्यानपूर्वक करना पड़ता है, इसीलिए मानसिक जप बहुत तगड़ा होता है। उपांश जब जो कि फिस करके किया जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, वो खुद के लिए। और वाचिक जब थोड़ा लाउडली होता है, थोड़ा दो चार लोग सुन सकेंगे। तो इस प्रकार तीन प्रकार में जब कर सकते हैं। श्रील हरिदास ठाकुर जो नाम आचार्य है, उन्होंने प्रतिदिन 300,000 मंत्र अर्थात 3 बार 64 माला करते थे। तो एक बार 64 माला उन्होंने हरिदास ठाकुर करते थे वाचिक, दूसरा बार करते थे उपांश और तीसरा बार करते थे मानसिक। तो तीनों नाम का ही महिमा अपने अपने जगह पे है। स्टॉप पार्ट, स्टॉप पार्ट 35 में है, जो भगवद गीता श्रीमद् भागवतम आदि में बहुत सारे स्टॉप है, स्तुति है जो आचार्यों ने लिखा है। अष्टकम, गुरुवाष्टकम, शिक्षाष्टकम, राधाष्टकम, राधाकुंड अष्टकम, श्याम कुंड अष्टकम, श्री चैतन्य महाप्रभु अष्टकम, नित्यानंद प्रभु अष्टकम, राधिका अष्टकम, ऐसा सारे अष्टकम जो है, बहुत सारे अष्टकम है, बहुत सारे स्तुति है, वो करना चाहिए। 36 महाप्रसाद सेवा, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि प्रसाद खाने में तो सबको अच्छा लगता है। भगवान को अर्पण किया गया भगवान के जो अधरामृत, वो प्रसाद है। शास्त्र में वर्णन है तव कथामृत, नामामृत और अधरामृत, ये तीन अमृत हैं। अधरामृत को भी पान करना चाहिए, खाना चाहिए, वो भगवान का महाप्रसाद है। महाप्रसाद ग्रहण करते समय ऐसा ध्यान करना चाहिए कि ये प्रसाद भगवान के होठों से, भगवान के जीवा से टच होके, स्पर्श करके आया है, ये बहुत ही शक्तिशाली है। इससे समस्त पाप ताप, अपनी अविद्या और माया के बंधन, कली के कलमश को नष्ट करने में शक्तिशाली है। और सबसे बड़ी बात है कि राधा माधव के चरणों में दिव्य प्रेम को जागृत करने में समर्थ है। 37 है विज्ञप्ति। विज्ञप्ति जैसा कि से आते हैं, विज्ञप्ति तीन प्रकार है, संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बुद्धिका और लालसामय। संप्रार्थनात्मिका किसी प्रकार की विज्ञप्ति करते समय प्रार्थना करना, प्रार्थना के द्वारा विज्ञप्ति को जानना, ये संप्रार्थना। जैसा कि भगवान से कहना, हे प्रभु, एक युवक एक युवती को जिस प्रकार प्यार करते हैं, प्रेम करती है या करता है, उस प्रकार मेरा मन भी आपके चरणों में चिपका हुआ रहे, इंटरेस्टिंग ले, ऐसा कब होगा? लड़का लड़की कैसे प्रेम करते हैं, हजारों विपत्ति, हजारों बाधा देते हुए भी वो लोग चोरी छुपके मिलते हैं। तो इस प्रकार हमारे मन कब होगा कि संसार के सारे बाधा विपत्ति होते हुए भी हमारे मन हमेशा आपके चरणों में बने रहे, हे प्रभु, ऐसा दिन कब आएगा? तो इस प्रकार के जो प्रार्थना को बोलते हैं संप्रार्थनात्मिका, दैन्य उस लाल विज्ञप्ति, उसके बाद दैन्य
दैन्य बुद्धि का मैं अति दीनहीन हो, मैं पापी हूँ, मेरा भजन नहीं होता है, मैं तो नाम मात्र साधु हूँ, हे प्रभु आपकी कृपा करुणा ही मेरे लिए एकमात्र शक्ति है, क्योंकि आप जो है क्या है, आपकी एक नाम है पतित पावन, मैं बहुत बड़ा पतित हूँ और आप पावन हैं। तो ये प्रभु जैसा कि जगाई माधाई को आप उद्धार किया, जगाई माधाई से भी बहुत गुना ज़्यादा मैं पतित हूँ, प्रभु आप मुझे उद्धार कीजिए। लालसामयी जो है कि ऐसा कहना कि हे प्रभु, हे राधा श्याम सुंदर, कब मुझे ऐसा दिन आएगा कि मैं यमुना के तट पर युगल मूर्ति का ध्यान करता हुआ और व्याकुल होके आपके नाम पुकारते हुए नृत्य करूँ, गाऊँ, नाचूँ, इस प्रकार जो प्रार्थना करना, इसको बोलते हैं लालसामयी। 38 चरणामृतपान। चरणामृत भगवान श्री राधा कृष्ण के अभिषेक के समय मॉर्निंग में सुबह सुबह मंदिरों में होते हैं, आप घर पे भी कर सकते हैं, किधर भी कर सकते हैं, किसी के पास भी हो सकते हैं भगवान, और भगवान के अभिषेक करके जो जल मिलते हैं वही चरणामृत कहा जाता है। सबसे उत्तम चरणामृत है शालिग्राम के चरणामृत, गिरिराज जी के चरणामृत, और उसके बाद विग्रह का चरणामृत। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो मानसिक रूप में फोटो रख के भी कर सकते हैं, उसमें भी चरणामृत प्राप्त होते हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादकम पित्ता शिरसा धर्म्यहम। अतः चरणामृत में ऐसा बल है कि अकाल मृत्यु को हरण कर सकता है। अकाल मृत्यु को हरण करने का मतलब हम जो भजन करे बिना इस संसार से विदाई ले लेते हैं, तो भजन करा करके ही हम इस संसार से विदाई ले, इसीलिए हमें थोड़ा लंबा आयु का ज़रूरत है, तो इसीलिए वो कृपा करेंगे चरणामृत, ठीक है। और सर्व व्याधि विनाशनम, हमारी सबसे बड़ा व्याधि है क्या, माया के द्वारा संसार में मारे मारे फिर रहा है, तो माया के कवल से रक्षा करने का नाम ही व्याधि है निवारण। तो सर्व व्याधि, सर्व प्रकार का व्याधि, मानसिक वाचिक कायिक सर्व प्रकार का व्याधि, मन में जो हमारे रोग लगे हुए हैं उसको नष्ट करने के लिए भगवान के चरणामृत नित्य प्रतिदिन पान करना चाहिए। और विष्णु पादकम, ये स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरण धूत जल है, मैं उसको शीर में धारण करता हूँ, मस्तक पे धारण करके और थोड़ा बहुत पीता हूँ ताकि मेरा कल्याण हो, इस प्रकार भावना से पीना चाहिए, ठीक है। 39 धूप माल्यादि श्रीमूर्ति दर्शन। धूप माल्यादि मतलब जैसे कि भगवान को धूप दिया जाता है, माल्या दिया जाता है, उसका ग्रहण करना, और श्रीमूर्ति का दर्शन करना, श्रीमूर्ति का स्पर्श करना। अगर आपके पास श्रीमूर्ति नहीं है तो आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पुजारी है वो तो करते हैं मंदिर में ना, इसका फल सिर्फ पुजारियों को मिलेगा। लेकिन आपके पास अगर शालिग्राम है या विग्रह है तो आपको डेली पूजा करते समय स्पर्श मिलेगा, लेकिन फोटो में भी आप करके ऐसा कर सकते हैं, आपके पास शालिग्राम नहीं है, विग्रह नहीं है, तो आप फोटो में भी कर सकते हैं। अगर फोटो में भी नहीं है तो तुलसी महारानी के पत्ते में भी भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, आपके हृदय में भी श्री कृष्ण है, आप उसमें टच करिए, मानसिक रूप में आप करिए, लेकिन ऐसा स्पर्श भगवान के करिए, ऐसा आदत डालिए। और भगवान की तीनों संध्याकालीन आरती, जैसे कि सुबह का आरती, दोपहर का आरती और शाम की आरती में अटेंड होना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। सुबह का सबसे महत्वपूर्ण आरती उसको बोलते हैं मंगला आरती, दोपहर को राजभोग आरती, शाम को संध्या आरती, इन तीनों करना चाहिए। श्रवण 43 में आते हैं, 43 भगवान की भक्ति के अंग है श्रवण। श्रवण एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिससे भगवत भक्ति शुरू होता है, तो इसीलिए श्रवण को सर्वश्रेष्ठ अंग है, क्योंकि श्रवण के द्वारा आपके हृदय में भगवान जाते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला और कथाओं का शुद्ध भक्त से श्रवण करना, ग्रंथों से श्रवण करना, इसको श्रवण कहते हैं। भागवत में श्रवण के बारे में वर्णन है, भागवत की 1, 2, 3, 17 में वर्णन है, 17 में श्रवताम सकताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदंतस्तु ही अवद्राणी विदुनुति सुरित शताम। अर्थात भगवान की लीला कथाओं का
श्रवण करने से जीवों के समस्त अमंगल दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेमामय भक्ति की लालसा रखने वाले को नित्य निरंतर उन लीला कथाओं का अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। बहुत जल्दी आपके हृदय विधुनती साफ हो जाएंगे। 44 भक्ति के अंग है श्री भगवान की कृपा की अपेक्षा, अर्थात भगवान मुझे कृपा करेंगे, वही कृपालु है, उनके बिना कोई कृपा नहीं कर सकते हैं। ऐसा भगवान के ऊपर पूर्ण शरणागति के रूप में चुपचाप बैठे रहना, कितना भी समस्या आए, कितना भी परेशानी हो, ऐसा भाव रख करके अपना जीवन को चलाना। इस बारे में एक श्लोक के उदाहरण देते हुए कहते हैं, भागवत के 10वें स्कंद के 14:8 श्लोक में है, तत्येन कंपाम सुसमीक्षमान भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदबाग बपूर्वी विदधन नमस्ते जीवे तो जो मुक्ति पदे सदाईबाग। भगवान कृपा करके हमें जो भी सुख और दुख देते हैं, हमें उनकी कृपा समझ के उसको ले लेना चाहिए और काय मन वाक्य में प्रभु का नमस्कार करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जिस प्रकार पिता के धन संपद पुत्र को मिल जाते हैं, इस प्रकार हे प्रभु आपके जो मुक्ति रूपी भक्ति रूपी धन वो हमें आराम से मिल जाएगा। 45 स्मरण, श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का स्मरण करना, जो कि मैंने आपको पहला भी इसमें आया है। देखिए श्रवण हमें, कीर्तन हमें भक्ति का प्रधान अंग बताया है, तो कीर्तन करने से क्या होगा, स्मरण होगा। इतना आप कीर्तन करिए जब तक भगवान की लीला का स्फूर्ति अपने आप होने ना लगे, तब तक आपका कीर्तन अभी तक पूर्णतया नहीं हुआ। अगर कीर्तन पूर्ण हो गया तो आपके हृदय में भगवत लीला का स्मरण होने लगेगा, स्फूर्ति होने लगेगी। तो ऐसा समझ जाना चाहिए कि आपके स्मरण, आपके जो कीर्तन हो रहा है अच्छा हो रहा है, जिसके कारण आपको स्मरण आ रहा है भगवान के। और जिस समय स्मरण होते हैं भगवान की लीला का, स्मरण की स्फूर्ति होते हैं, राधा माधव के जुगल छवि आपका हृदय में आते हैं, उस समय आप समझ जाइए कि आप एकांतिक भजन करने में अभी उपयुक्त हो गया है। अर्थात निर्जन भजन वही कर सकते हैं जिनके तैल धारावत श्रीहरि श्री राधा माधव के जुगल छवि के जुगल लीला का स्मरण होते हैं, और वो स्मरण नाम कीर्तन के द्वारा प्रकाशित होते हैं हृदय में। ये बात को ध्यान रखना, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी इसी प्रकार ही व्याख्या किया, वर्णन किया, और श्रील रूप गोस्वामी भी जगह जगह इसी प्रकार किया। इसीलिए मैं सिर्फ आपको जो है इधर उधर ना घुमाते हुए मूल बात को ही यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस बातों को अन्यथा मत समझिएगा। ध्यान भगवान के रूप गुण लीला और उनकी सेवाओं का भलीभांति चिंतन करने का नाम ध्यान है। देखिए स्मरण, जैसे कि कीर्तन करते करते आपके हृदय में स्मरण होने लगेगा। स्मरण जब उत्पुष्ट होता है, एकदम पक्का होता है, कभी ना टूटने वाला होता है, वही उसको ही ध्यान कहलाता है। ध्यान मतलब गहराई में, और गहराई में। दास्य, श्री कृष्णदास ही जीवन का शुद्ध स्वरूप है। मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरा प्रभु है, मैं कृष्णदास, इस प्रकार भावना के नाम ही दासत्व है। और कृष्णदास जब आप अपने को समझेंगे तो माया के समस्त बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार कहते हैं, नायम विप्र न च नरपति नरापि वैष्णव शूद्र नायम वर्णी न च गृहपतिर्ण वनस्थ ज्योतिर्वा किंतु प्रद्य निखिल परमानंद पूर्ण मृतादे गोपी भर्तो पदकमलयो दास दासन दास। मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, मैं ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थ नहीं, वानप्रस्थ नहीं, सन्यासी नहीं, लेकिन मैं ब्रज गोपियों के जो स्वामी हैं, पालक है, वो श्री कृष्ण के चरण कमल की सेवा करने वाला जो दास है, उन दास हो। इस प्रकार गौरांग महाप्रभु अपने परिचय प्रदान किया। इसीलिए हमें प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें अपने को 100 बार नीचे का दास समझना चाहिए। ये 30
कितना हुआ आपको, 45 हो गया, 46 हो गया, 47 हो गया, ठीक है, और 48 अभी, 48 सख, भगवान से मित्रता करना, मैत्री भाव रखना है, इस प्रकार मित्रता रख के जो सेवा होता है वो कहलाते हैं सख। सख में ब्रज के सख में सुबल श्रीदाम आदि सर्वश्रेष्ठ है। पुरी में द्रौपदी श्री कृष्ण उद्धव आदि श्रेष्ठ है, इनके अनुसरण करते हुए इनके अनुगत रह करके सख भाव रखने के नाम ही असली सख है। आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन का अर्थ है भगवान के चरणों में आपने को समर्पित कर देना, संपूर्ण रूप में आत्मनिवेदन कर देना। मैं और मेरा जो संबंध है, मैं और मेरा यही तो माया है, ये मैं हूँ और ये मेरा है। अहम निज प्रवृत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितनांतु वसुदेव कुटुम्बकम, ये मैं है ये मेरा है, ये तो छोटे मन वाले व्यक्ति का, लघु चेतना वाले व्यक्ति के विचार है, लेकिन उदार चरित्र व्यक्ति का क्या विचार है कि ये जगत भगवान श्री कृष्ण के हैं और हम जगत के हैं। इसीलिए जगत को वसुदेव कुटुंब कहा जाता है, क्योंकि जगत में सब कुछ हम लोग जो है श्री कृष्ण के अंश हैं। निज प्रिय वस्तु का समर्पण, आपके धन, आपके गाड़ी, मकान, आपके दुकान, आपके स्त्री, बच्चा, पुत्र, पति पत्नी, सब कुछ भगवान को अर्पण करना है, इसी के नाम है निज प्रिय वस्तु को अर्पण करना। ऐसा प्रिय वस्तु को अर्पण करना जो भक्तों को भी अच्छा लगे, भगवान को भी अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि भगवान को तो अच्छा लगे भक्तों को ना लगे, भक्तों को अच्छा लगे भगवान को ना लगे, तो दोनों का विचार करते हुए प्रिय वस्तु का दान करना ही दान है। इसके बारे में आगे और बताएंगे। 51 कृष्ण के उद्देश्य से अखिल चेष्टाएँ, जो भी कुछ करना हमें कृष्ण की प्रसन्नता की जो एक दिग्दर्शन, उसको कभी नहीं भूलना। हम जो भी कुछ करेंगे इसमें श्री कृष्ण का प्रसन्नता होते हैं कि नहीं होता है, अगर श्री कृष्ण की प्रसन्नता है तो भी करना, तो ही करना, भक्त का प्रसन्नता है वही करना, नहीं तो नहीं करना है। 52 शरणापत्ति के 6 लक्षण हैं, भक्ति के अनुकूल वस्तु को स्वीकार करना, भक्ति के प्रतिकूल वस्तु को त्याग करना, जैसे कि सुबह उठना, भगवत प्रसाद खाना, और देर करके ना उठना, भगवान को भोग बिना लगाए बिना कुछ खाना नहीं, ये सब अनुकूल प्रतिकूल चीज़ें। तो अनुकूल को अपनाना, प्रतिकूल को त्याग करना, ये भक्ति के 2 अंग हो गया शरणापत्ति के। 3रा अंग है भगवान श्री कृष्ण ही मेरा रक्षक है, भगवान श्री कृष्ण ही मेरा रक्षक है। और 4था जो है चौथा शरणागति के जो लक्षण है वो है श्री कृष्ण ही मुझे रक्षा करेंगे, श्री कृष्ण ही मेरा रक्षक है, तो है और श्री कृष्ण ही मुझे रक्षा करेंगे, ये 4था नंबर के शरणापत्ति। 5वा नंबर के शरणापत्ति है दैन्य, आपने को बहुत दीनहीन समझना भगवान के सामने, भक्त के सामने है। और आत्मनिवेदन, जो भी कुछ है, मैंने आत्मनिवेदन पहले ही बताया, ये आत्मनिवेदन है। आत्मनिवेदन मतलब जो भी कुछ आपके पास है सब कुछ भगवान को अर्पण करना है, इसको बोलते हैं 6 प्रकार का शरणापत्ति। ये करने से भगवान बहुत प्रसन्न होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इसके बारे में बहुत अच्छे से लिखे हैं। 53 तुलसी महारानी के विशेष सेवा, 10 प्रकार के तुलसी सेवा का, 9 प्रकार के तुलसी सेवा का वर्णन किया है। तुलसी महारानी की सेवा दोबारा आया है, इसीलिए पहले हम वर्णन कर चुका है, इधर नहीं करेंगे। वैष्णव शास्त्र सेवा, अर्थात वैष्णवों ने जो शास्त्र रचना किया उन शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ना, जैसे कि भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु आदि, महाभारत आदि ग्रंथों को पढ़ना, इससे क्या होता है ऋषि ऋण से हम मुक्त होता है, हमारे ऊपर जो जिस 8 प्रकार ऋणी है उसमें ऋषि ऋण भी है। तो वैष्णव शास्त्रों को पढ़ने से वैष्णव भी खुश होता है और भगवान के बारे में हमको
और अच्छा जानकारी मिलते हैं और भक्ति में हम दृढ़ होते हैं। मथुरा मंडल में वास, मथुरा मंडल 84 क्रूश है, उन 84 क्रूश में आप किधर भी निवास करेंगे मथुरा वास। द्वादश वन में कहीं भी निवास करेंगे, बेल वन, कौमुद वन, लोह वन, भांडिर वन, ताल वन, खदीर वन, वृंदावन, ये सब 12 वन है, ठीक है। 12 वन का कहीं भी आप निवास करेंगे वो वृंदावन में ही निवास माना जाएगा, वो सर्वश्रेष्ठ है। और जैसा कि वृंदावन वैसा ही मायापुर नवद्वीप, नवद्वीप 16 क्रूश, 16 क्रूश इधर 84 क्रूश और 16 क्रूश, 16 क्रूश में जहाँ आप निवास करेंगे वहाँ नवद्वीप मायापुर में निवास करने का पूर्ण फल मिलेगा आपको। दोनों धाम में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, धाम निवास करना चाहिए। वैष्णव सेवा, आपने अपने शक्ति के अनुसार वैष्णवों को भंडारा देना, वैष्णवों को दान करना, ठंडी के मौसम में गर्म कपड़ा आदि देना, तीर्थ भ्रमण कराना, ये सब वैष्णव सेवा है। और प्रचार में मदद करना वैष्णवों को, यथाशक्ति वैष्णव सेवन हो गया आपका कितना 57 आएगा। यथाशक्ति हिंडुलादि उत्सव मनाना, जैसे कि रामनवमी, गौर पूर्णिमा, ये सब बड़े बड़े जो महोत्सव होता है, इन सब के लिए धन इकट्ठा करके बड़ा अनुष्ठान करने का प्रयास करना, जो मंदिर के लिए बताया जा रहा है वो यथाशक्ति प्रयास करना। अपने पास अगर इंडिविजुअली आप कर सकते हैं, आपके पास जितना शक्ति है उस शक्ति से ये सब अनुष्ठान आदि करना, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा आदि व्रत आदि करना। 58 में कार्तिक व्रत, ऊर्जा व्रत, अर्थात कार्तिक ऊर्जा, ऊर्जा मतलब जैसे एनर्जी प्राप्त होते हैं, तो कार्तिक व्रत की महिमा है। कार्तिक व्रत, मार्गशीर्ष व्रत, अभी जैसा कि 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम मास आता है, ये सब व्रत करने की बहुत ही ज़्यादा महत्व है। दामोदर मास, इन सब करने से एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है भक्ति में, एक हाइपर भक्ति के लिए एक हाई क्लास का शक्ति मिलते हैं, तो ये सब बहुत आदर के सहित करना चाहिए। ऐसा करने से श्रीहरि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, ठीक है। 59 में है सर्वदा हरिनाम ग्रहण और जन्माष्टमी आदि महोत्सव यात्रा पालन करना। सर्वदा हरिनाम ग्रहण ये तो हम पहले वर्णन कर चुका है, जन्माष्टमी आदि महोत्सव अपने शक्ति के अनुसार करना है वो भी वर्णन कर चुका है। 60 नंबर में अभी आ जाते हैं हम लोग, श्रद्धापूर्वक श्रीमूर्ति की सेवा। देखिए किसी किसी के पास भगवान के विग्रह तो आ जाते हैं, मूर्ति आ जाती है, या भाव में किसी ने ले लेते हैं, शालिग्राम को ले लेते हैं, लेकिन कुछ दिन करने के बाद उनके श्रद्धा कम हो जाते हैं। तो खबरदार ध्यान रखना कि श्रद्धा कम ना हो, क्योंकि श्रद्धापूर्वक सेवा करने से भगवान प्रीत होते हैं और अश्रद्धा से करने से भगवान रुष्ट होते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती मूर्ति के बारे में कहते हैं कि आग्रह, विग्रह और गलत ग्रह, अर्थात नया नया भक्ति में एकदम आग्रह हो जाते हैं, हाँ हम भगवान के मूर्ति का भजन करेंगे, हम नेपाल से शालिग्राम लेके आएंगे और खूब पूजा करेंगे, या तो हम राधा कृष्ण के विग्रह धातु अष्टधातु का सेवा करेंगे, इस प्रकार वो मन में सोचते हैं, ले भी लेता है। उसके बाद आग्रह तो कर लिया, विग्रह आ गया, तो विग्रह का सेवा करते करते बाद में भक्ति में कमी आ जाते, थोड़ा बहुत कैसा करके भक्ति ठीक से पालन नहीं करते हैं या श्रद्धा नहीं रह जाते, तो वो विग्रह जो है ना बाद में गलत ग्रह हो जाते हैं। गलत ग्रह मतलब गले में कोई वस्तु, मोटा वस्तु अगर रुक जाते हैं तो श्वास बंद हो जाते हैं, दुख कष्ट होता है। इसी प्रकार वो विग्रह को लेके बाद में परेशानी हो जाते हैं, किसको देना, क्या करना, हमको तो इधर घूमने जाने का है, हमें विग्रह कहाँ देना, क्या करना, तो इस प्रकार सोचने लगते हैं। इस प्रकार का नवत ना आए इसीलिए पहले से ही श्रद्धापूर्वक विग्रह का सेवा करना, यथाशक्ति सेवा करना। अर्थात अगर आप विग्रह का सेवा नहीं कर सकते तो मत रखना, नहीं तो फोटो में सेवा करने से भी उसका पूर्ण फल मिलेगा, लेकिन जब आप विग्रह का सेवा मंदिर में करेंगे उस समय आपका श्रद्धा बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मंदिर में तो कई सारे भक्त करते हैं, आपका ट्रेनिंग जब आएंगे तो आप अच्छे से करना, इसी की बात यहाँ वर्णन कर रहे हैं। और 61 में रसिकों के संग में भागवत कथा का आस्वादन,
रसिक के संगम में भागवत कथा का आस्वादन के मतलब है, जैसा कि बाहर के लोग आते हैं या भक्ति में इतना प्राणगत नहीं है, इतना सीनियर नहीं हुआ, इतना भक्ति में गहराई नहीं है, तो इन सब भक्तों के साथ, वैष्णवों के साथ और जो नॉर्मल भक्तों के साथ क्या करना, प्रहलाद ध्रुव के चरित्र और आदि पाठ करना, प्रीतु महाराज, अम्बरीश महाराज आदि की कथा भागवत से या श्रीमद् भगवद गीता से आलाप आलोक मत करना, उसके बारे में चर्चा करना। लेकिन जहाँ आपको रसिक भक्त मिल जाता है, अगर आप उस स्तर का है और वो भी उस स्तर के है, तो उस प्रकार वैष्णव का संगठन होने से श्रीमद् चैतन्य चरितामृत के जो गंभीरा में श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु लीला क्या है उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। इससे आपका अंतरंग लीला का आस्वादन होगा। और श्रीमती राधा रानी गोपियों के जो लीला दशम स्कंद में हुई है, खास करके पंचाध्याय के हैं, उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। इसीलिए गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि अंतरंगा भक्त संगे बहिरंगा भक्त संगे नाम संकीर्तन और अंतरंगा भक्त संगे रस आस्वादन, इस प्रकार महाप्रभु का शिक्षा है। 62 स्वजातीय स्निग्ध महत्वर साधु संग, आपने सजातीय हो अर्थात जो आप जिस परंपरा में हैं उस परंपरा के महापुरुष हो, और स्निग्ध हो और महत्तर हो। स्निग्ध मतलब बहुत सौम्य, बहुत सुलझे हुए, बहुत ही आक्रोध, क्रोध जिसके हृदय में नहीं है। सजातीय हो, स्निग्ध हो, क्रोध रहित हो और महत्तर हो, अर्थात भक्ति में बड़े चढ़े हो, ऐसा महापुरुषों का संग करने का चेष्टा करना, जहाँ मिले करना चाहिए, खोजना चाहिए, नहीं मिले तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि इस प्रकार के महापुरुष के संग हमें दीजिए, हे प्रभु आपके कृपा से हम शुद्ध भक्त का संग पा सकते हैं। प्रभुपाद और हमारे जो गुरुवर्ग है ये सब शुद्ध भक्त है, लेकिन ये लोग बहुत ही व्यस्त रहते हैं, इसीलिए उनके संग हमेशा नहीं मिलेंगे। यंत्र के द्वारा, भगवत आदि ग्रंथ के द्वारा हम इनके संग प्राप्त कर सकते हैं। 63 में नाम संकीर्तन फिर से आया है। जो पहला हमने नाम संकीर्तन का वर्णन किया उनके महत्व का, आप यहाँ इसको ऐसा लगा लीजिए, फिर से दिया गया, इसका महिमा ज़्यादा है इसीलिए फिर से दिया गया। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें श्री रूप गोस्वामी ने वर्णन किया कि देखिए, महाभारत में वर्णन है कि अगर आप 1000 बार भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, 1000 बार भगवान विष्णु के नाम लेते हैं तो 3 बार राम नाम लेने से उसका बराबर होता है। इसी प्रकार 1 बार कृष्ण नाम लेते हैं तो 3 बार राम नाम के बराबर होते हैं, अर्थात 3 बार आप राम 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 कहेंगे तो 1 बार श्री कृष्ण कह दीजिए बराबर, राम 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 कृष्ण बराबर। 1000 बार विष्णु नाम लिया अर्थात 1 बार कृष्ण नाम के बराबर, 1000 बार विष्णु नाम लिया, 3 बार राम नाम और 1 बार कृष्ण नाम इक्वल, तो इतना महत्व है श्री कृष्ण नाम का है, है? यहाँ पे श्लोक भी उद्धृत किया है, तो श्लोक विष्णुरेकं नामापि सर्व वेदाधिकं मतं ताद्रिक नाम सहस्रेण राम नाम शरम श्रमृत। विष्णुरेकैकं नामापि सर्व वेदाधिकं मतं त्राधिक नाम सहस्रेण राम नाम समं स्मृतम्, अर्थात 1000 बार विष्णु नाम लेने से 3 बार राम नाम लेने से बराबर। इसी प्रकार सहस्र नामनं पुण्यानां त्रिडा वृत्त्यं तु यत् फलम् एकावृत्य तु कृष्णस्य नामैकं तत् प्रयच्छति, अर्थात यहाँ पे फिर ऐसा बोल रहा है कि 1000 बार विष्णु के नाम लेने से 1 बार कृष्ण नाम लेने से बराबर, अर्थात 3 बार राम नाम लो 1 बार कृष्ण नाम लो। कैसा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भजन के भजन में जितना सारे महत्व बतलाया गया, ना भगवान नाम से बढ़ के कोई महत्व नहीं है, भगवान कृष्ण के नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है, इससे बढ़ के कोई नाम नहीं है। पद्म पुराण में वर्णन है नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह,
पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्त नाम नामिनः, अर्थात श्री कृष्ण के नाम जो है वो चिंतामणि स्वरूप, उन नाम में जो भी कुछ आप नाम के पास सोचेंगे, नाम के पास प्रार्थना करेंगे, वो होनी ही है, ठीक है। और कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम चिंतामणि कृष्ण, नाम चिंतामणि कृष्ण है, जैसे कि श्री कृष्ण है और नाम चिंतामणि कृष्ण है, और उन चिंतामणि कृष्ण में एक विशेष गुण है, वो चेतन स्वरूप है और रस के विग्रह है, रस की मूर्ति है, और पूर्ण शुद्ध है, संपूर्ण शुद्ध है, और वो नाम पूर्ण स्वतंत्र भी है, नाम और नामी में किसी प्रकार का भेद नहीं है। जैसा श्री कृष्ण वैसा श्री कृष्ण का नाम, जैसा नाम वैसा कृष्ण, इसमें भेद करने वाला महापातक की बहुत बड़ा नरक में जाएगा, ठीक है। हरिनाम संकीर्तन साधकों को सिद्ध महापुरुषों, सकाम साधकों, निष्काम साधकों, सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। सत्ययुग में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया जाता था, त्रेता युग में यज्ञ किया जाते थे भगवान की प्रसन्नता के लिए, और द्वापर काल में भगवान को प्रसन्न करने के लिए परिचर्या, अर्चन आदि करा जाता था, और कलियुग में भगवान के नाम संकीर्तन ही उनको प्रसन्न करने का एकमात्र विधि है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कलो नास्तव्यो 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 गतिरनता, हरे नाम वै केवलम कलो नास्तव्यो 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 अन्यथा। तो कलिकाल में और कोई गति नहीं, केवल भगवान का नाम ही एकमात्र गति है, केवल भगवान के नाम ही एकमात्र गति है, यही शास्त्र का अंतिम उपदेश है। और आखिरी जो भक्ति के अंग है, वो सबसे महत् अंग है, श्री वृंदावन धाम वास। पहला मथुरा मंडल में वास कहा गया है, लेकिन एक्स्ट्रा करके माधुर्यमय भक्तों के लिए श्री रूप गोस्वामी उसको अलग से दिया है कि वृंदावन धाम में निवास करे। प्रबोधानंद सरस्वती ने वृंदावन शतक रचना किया, उनमें एक श्लोक है, श्री वृंदावन मम पावनम तमेव, श्री वृंदावन मम जीवनम तमेव, श्री वृंदावन मम भूषणम तमेव, श्री वृंदावन मम सदस्यात्यमेव, अर्थात सब कुछ वृंदावन धाम ही है। इन्होंने दूसरा श्लोक में भी कहते हैं कि अगर नीच से नीच व्यक्ति के जुटन खा करके भी मुझे वृंदावन में रहना पड़े, तो वैसा वृंदावन में कभी नहीं छोड़ूंगा, अगर मुझे किसी चंडाल का जूठा खा के वृंदावन रहना पड़े। हाँ, तो वृंदावन धाम के महिमा से श्रेष्ठ महिमा और कुछ भी नहीं है, वृंदावन सर्वश्रेष्ठ धाम है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, अगर भगवान के लीला किसी अन्यत्र हो रहा है और वहाँ वृंदावन धाम नहीं है, तो मैं उस लीला में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, ना तो उस श्री कृष्ण से मैं मिलने का प्रयास करता हूँ, मुझे वृंदावन के सहित राधा कृष्ण होना चाहिए। तो ये है वृंदावन निष्ठा, वृंदावन के ऊपर कोई धाम नहीं है, सर्वधाम वृंदावन, तो भगवान का घर है, वो धाम में नहीं आते, भगवान की निवास स्थली है। तो इस प्रकार भक्ति के 64 अंगों का संक्षिप्त वर्णन हुई है, दिग्दर्शन किया गया है। अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़िए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।